हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो अभी हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म वार 2 को लेकर एक अपडेट सामने आई थी और ये पता चला था कि इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR की एंट्री हो गई है। और साथ ही ये भी खबरें आई थी कि हो सकता है कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण या फिर आलिया भट्ट की एंट्री हो जाए। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट से ऐसी खबरें आ रही है कि ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर शाहरुख खान की फिल्म पठान से भी ज़्यादा दमदार होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण फिल्म फाइटर में पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। पठान की सक्सेस के बाद लोग अब सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस देख ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अब सिद्धार्थ आनंद ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर लेकर आ रहे हैं। इसी को लेकर बॉलीवुड के एक एक्टर ने खुलासा किया है कि पठान से ज़्यादा फाइटर में एक्शन सीन्स करते नजर आएंगे। वहीं हम आपको बताते चले तो बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर की स्टार कास्ट कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स को शूट करने की तैयारी में जुटी हुई है। फिल्म में कुछ इंटेंस सीक्वेंस है जो मुंबई के कुछ रियल लोकेशंस पर शूट किए जाएंगे। बता दें तो इस फिल्म में एक्टर तलत अजीज ऋतिक रोशन के पिता की भूमिका अदा कर रहे हैं और मुंबई में पिता और बेटे के बीच कुछ इमोशनल सीन्स भी शूट होने वाले हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो मीडिया रिपोर्ट से ये भी खबरें आ रही हैं कि अक्षय ने कहा है फाइटर हॉलीवुड की एक एरियल एक्शन एंटरटेनर्स के बराबर होगी। उन्होंने कहा सिद्धार्थ आनंद से बेहतर पर्दे पर मेल और फीमेल को कोई पोर्ट्रेट नहीं कर सकता है। शाहरुख खान ने पठान में अपना बेस्ट परफॉर्म किया था और ऋतिक रोशन ने वॉर में अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। सिद्धार्थ इस बात पर भी काफ़ी ध्यान देते हैं कि फिल्म में आर्टिस्ट कैसे दिख रहे हैं और स्टाइल कर रहे हैं। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि फिल्म फाइटर में सिद्धार्थ आनंद पठान से क्या अलग करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा शायद बहुत ही चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने पठान के एक्सपीरियंस से ली है। पठान में बहुत सारा एक्शन और VFX था और इसने केवल सेट को और ज़्यादा एक्सपीरियंस दिया है, लेकिन फाइटर इस मामले में ज़्यादा भारी लगती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइटर फैंस के बीच काफ़ी पसंद की जाएगी। हम आपको बताते चले तो ऋतिक रोशन की इस फिल्म में करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबेरॉय के अलावा अनिल कपूर भी लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने अपनी पत्नी ममता के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी किया है। अब फैंस के मन में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पठान की तरह ही फाइटर भी ब्लॉकबस्टर लिस्ट में शुमार होगी या नहीं। हालांकि ऐसा होता है या नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। वहीं हम आपको बताते चले तो इस फिल्म में ऋतिक रोशन के अपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।